पीटीवी वॉइस के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे तुर्गत के बारे में। क्या ये निकोला के हाथों दोबारा पकड़ा जाएगा? जैसा कि हमने ट्रेलर में इसको किले में देखा, क्या निकोला इसको दोबारा पकड़ लेगा? इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और इसके अलावा मालहुन के बारे में बात करेंगे। क्या आलम शाह मालहुन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? जैसा कि हमने मालहुन को आलम शाह के खिलाफ बोलते हुए देखा, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और इन सब के अलावा महिल कोशिश के बारे में बात करेंगे, क्या वो उस्मान बेग की साफ में शामिल होने जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे, क्या वाकई उस्मान सीरीज 2 हफ्तों के लिए बंद होने जा रही है? ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कौसिम हयाल की। हर कोई इसके बारे में यही कहता नजर आ रहा है कि महिल कौसिस उस्मान बेग की साफ में शामिल होने जा रहा है। अब ये उस्मान बेग की फतवात में हिस्सा लेगा, क्योंकि हमने निकोला को मारे को खंजर मारते हुए देखा। इसी वजह से हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि ये सब देखने के बाद महिल कौसिस निकोला के खिलाफ हो जाएगा और फिर उस्मान बेग का साथ देगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो निकोला ये इल्जाम तुर्कत पर डाल देगा कि तुर्कत ने इसको खंजर मारा और उसको अगवा करने के बाद यहाँ से ले गया। नाजरीन, ऐसा हो सकता है कि कौसिम हयाल भी उस्मान बेग की साफ में ना शामिल हो, लेकिन नाजरीन आने वाले चंद एपिसोड में ये उस्मान बेग का साथ देते हुए नजर आएगा, जो कि यकीनन आप बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे। नाजरीन, अगर बात करें तुर्गत की, क्या तुर्गत निकोला के हाथों पकड़ा जाएगा? जैसा कि हमने ट्रेलर में तुर्गत को किले में देखा, तो नाजरीन बिल्कुल नहीं, तुर्गत निकोला के हाथों नहीं पकड़ा जा सकता। जैसा कि हमने इसके बारे में पहले भी बताया था कि तुर्गत मारी को लेकर चला जाएगा, यकीनन ऐसा ही हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुर्गत मारी को लेकर चला जाएगा और निकोला कौसिम हयाल को और भी भड़काएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुर्गत इसी दौरान पकड़ा जाएगा, तो नाजरीन हमारे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय से बेगाल आजमी कर सकते हैं। अगर बात करें मालहुन की, नाजरीन जैसा कि हमने ट्रेलर में मालहुन को आलम शाह के खिलाफ बोलते हुए देखा, कुछ लोगों का ये कहना है कि आलम शाह मारी को भी कैद कर सकता है, जैसा कि उस्मान बेग के सिपाहियों को कैद किया है। कुछ का ये सोचना है कि आलम शाह मालहुन को भी कैद कर सकता है, लेकिन नाजरीन हमारे ख्याल में ऐसा भी नहीं होगा। आलम शाह ये हरकत नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि आलम शाह के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि वो मालहुन को कैद कर सके। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या आलम शाह मालहुन को कैद करेगा? अपनी राय से गाल आजमी कीजिएगा। अगर बात करें सीरीज की, क्या वाकई सीरीज 2 हफ्तों के लिए बंद होने जा रही है? क्योंकि कुछ का ये कहना है कि ईसाइयों की क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान ये सीरीज बंद कर दी जाएगी, लेकिन नाजरीन हर साल तो ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे ख्याल में इस साल में शायद ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह दूसरी सीरीज का कंपटीशन है, जो कि मेहमत बजदाग ऐसा नहीं चाहेंगे कि सीरीज की रेटिंग नीचे आ जाए। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा। नाजरीन, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।